कोई भी पोस्टल एम्प्लॉय नॉट ओनली जीडीएस कोई भी पोस्टल एम्प्लॉय का ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं होगा जी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये आदेश है जी। ए ह्यूमैनिटी ग्राउंड में पोस्ट ऑफिस खुला है क्योंकि आरडी में फाइन हो सकता है जी, सुकन्या समृद्धि में फाइन होगा जी, आरपीएलआई में फाइन होगा, इसीलिए ह्यूमैनिटी ग्राउंड में ऑफिस खुला रखने का कोशिश कीजिएगा। अच्छा जी, जबरदस्ती कोई ओवरसियर इंस्पेक्टर एसपी एसएसपी डीपीएस पीएमजी कुछ करेगा तो किसी का भी जान की जिम्मेदारी उसका ऊपर आएगा जी जी जी। देश में कहीं भी नहीं हो रहा है, कुछ ओवरसियर इंस्पेक्टर दादागिरी कर रहा है, मेरा कोई जीडीएस का किसी का कोई प्रॉब्लम होगा तो जिंदा जलाऊंगा उसका वो ऑफिसर को हम। नहीं वो तो ठीक बात है ना सर, पर कहने का मतलब ये ना कि इनको थोड़ा सा कॉपी कूपी मंत्री से जो है ना ऑर्डर आ जाए ना तो प्राइम मिनिस्टर हर टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हर टाइम बोलता किसी का ऊपर जबरदस्ती नहीं होगा क्योंकि जॉब किसी के सिक्योरिटी के जिम्मेदार हम नहीं है जी, उसका प्रॉब्लम का जिम्मेदार भी हम नहीं रहेंगे जी जी। जॉब लॉकडाउन पीरियड है उस टाइम पोस्टल एम्प्लॉय आदमी नहीं है क्या जी जी, कौन है ऑफिसर, वो ऑफिसर जो जबरदस्ती काम करा रहा है। बिल्कुल सर, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह मंगवा दी आज जो है फोन पर सबसे, और आइडेंटिफिकेशन कार्ड बना रहे, और बिना सैनिटाइजर डाक अब किस तरह से बांटेंगे और जो कहां से आ रही डाक अब आपको तो सब मालूम है। इसमें एक भी जीडीएस एम्प्लॉय बाहर नहीं जाएगा, क्यों, उसका जान खतरे में है जी, और उसका कुछ होगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय अभी तक इंडिया गवर्नमेंट घोषित नहीं किया है जी जी जी। कोई भी मेरा गरीब जीडीएस का ऊपर कोई दादागिरी करने का उसका जिम्मेदार हम है जी जी। जहाँ पोस्टल और सिक्योरिटी कोई भी जीडीएस काम में नहीं जाएगा। तो सर इसके लिए थोड़ी सी मेल मूल जो है ना मंत्री से इनको देखो ना, हमने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, रविशंकर जी को लिखा है, अमित शाह जी को लिखा है, सेक्रेटरी पोस्ट को भी लिखा है जी जी, और हम कल आपको अपलोड कर देंगे जो जो लेटर हमने लिखा है जी, वो अपलोड कर देंगे, सारे जानकारी दे दीजिएगा जी, और कौन कौन ऑफिसर है तांग कर रहा है उसका नाम भी आप अपलोड कीजिएगा, हम देख लेंगे वो कौन से ऑफिसर है। जीडीएस को क्या अभी भी क्या समझता है वो। नहीं तो वही तो बात है ना सर, अब चलो पोस्ट ऑफिस खुले रखे है तो क्या कहते है न, पोस्ट ऑफिस हम खुलेंगे जरूर, जॉब पॉसिबिलिटी होगा जी जी, किसी का ऊपर जबरदस्ती नहीं होगा, ये आदेश है गवर्नमेंट का। नहीं तभी ना सर, अब ये तो यहाँ पर तो इन्होंने तो इतना फोर्स किया पेंशन बांटने, कहते घर में जाओ पेंशन दो, पेंशन तो बांटनी ही पड़ेगी। मैंने कहा हम जरा सर को करते फोन और जो है हम उनसे, तब लक्ष्मी नंद जी से बात हुई अभी, बोलो मेरी भी बात हुई सर से और आप भी कर लो बोलो शिमला से बात। मैंने कहा हम तो बिल्कुल तैयार है और वो अच्छी तरह से जो है, मैंने कहा इसके बारे में इनको मेल कर दो सर ताकि थोड़ा सा जो है, अब देखो ना 9 तारीख कल आपको हम वो लेटर भेज देंगे जी, मेरा स्टेटमेंट एक एक जीडीएस का पास एक एक ऑफिसर का पास पहुंचा देंगे। थैंक यू सर, बस ये जो है हम आपसे टीका ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, एक गवर्नमेंट की आदेश है। तो सर ये काम बड़ा जरूरी है क्योंकि इसमें तो बहुत ही जरूरी है। व्हाट्सएप नंबर सर आपका? व्हाट्सएप नंबर मेरा है 8929। अच्छा 8929 जी, 8929 हो गया ना? हाँ जी 8929 double five 1297 अच्छा 8929551297 हाँ सुगंध मिश्र 8929551297 जी जी जी। तो ये सर कोई भी प्रॉब्लम होगा तुरंत मुझे व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा, 24 आवर्स हम
व्हाट्सएप वॉच कर रहा है जी सर, ये तो कल ही कर दो सर इनको। देखो ना शिमला में इन्होंने तो आज मीटिंग बुलाई थी वहाँ पर, और इन्होंने जो है सबको हमारे 60-60 साल के आदमी को भी कल ड्यूटी डाक बांटने लग दिया। ऑफिस में बोल दिया बैंक वालों ने कि भाई जो है क्या कहते हैं ये किसने आपको कहते हैं सैनिटाइजर की हुई है डाक। अच्छा आपका सीपीएम जी कौन है? ये सीपीएम जी शिमला में है सर। नाम क्या है उनका? अब मुझे तो मालूम नहीं है, हम तो बस हमारे से तो कटी रहे ना ये, जब से हमने ये मीटिंग का प्रोग्राम रखा ना तब से इनको बड़ी तकलीफ हो रही है हमारे से तो। अच्छा कल हम बात करेंगे उनसे, हम और डायरेक्टर देख के उनसे बात कर लेंगे। ये सब कुछ ऑफिसर है, कुछ ओवरसियर इंस्पेक्टर हीरो समझता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इनसे तो कर लो क्योंकि इन्होंने तो जो है 60-60 साल के आदमी को भी हमारे यहाँ पर डाक बांटने लगा दिया, और अपनी मर्जी से कहते मेरे का कॉपी दो आप ऑर्डर की, मारे को कॉपी, फिर बोले कि जी फोनिकल में का फोनिकल कोई ऑर्डर होते हैं आपके लिए। मैंने कहा आप कल को अपडेट कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब मेरा कोई भी जीडीएस का ए ऑफिसर के ऑफिसर जबरदस्ती काम करा के कोई जीडीएस का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको हम जिंदा जलाऊंगा। ये रिकॉर्डिंग भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है सर। महामंत्री सुगंध मिश्र बोल रहा हूँ, मेरा गवर्नमेंट आज सेंट्रल में है, सारे दुनिया खाली हिंदुस्तान नहीं सारे दुनिया आज कांप रहा है कोरोना वायरस में। पोस्टल का कुछ दलाल ऑफिसर उसका बाप का डिपार्टमेंट समझ लेता है। वही तो बात है ना सर, अब देखो आर्मी वालों को जहाँ है पड़े हुए, जो आर्मी भी है वो भी जहाँ खड़े वहाँ खड़े, जो आगे वो आगे खड़े, जो पीछे वो पीछे खड़े, और ये पोस्ट ऑफिस एक एक ही जी पेंशन दो उनके घर। मैंने कहा भाई पेंशन तो दे परंतु प्रबंध क्या है, प्रबंध कोई स्वा का कोई प्रबंध नहीं है सर। ये तो एक वो कर रखा ना इन्होंने फोर्स करने वाला काम, जबरदस्ती प्रेशर, नहीं तो पे काट लेंगे, फलाना करेंगे, वो करेंगे, नौकरी से हटाएंगे। तो मैंने कहा हम सर को बोलते कि भाई आप कोई किसी का हिम्मत नहीं है किसी का ऊपर जबरदस्ती करेगा। ठीक है जनाब, आप आपको वचन देता हूँ। ठीक है ठीक है, आज मेरा गवर्नमेंट सत्ता में है, आज खाली हिंदुस्तान नहीं सारे दुनिया कांप रहा है। ठीक है, कौन है ऑफिसर उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है सर, हमारे तो मीटिंग थी, जरूरत पड़े तो मोटरसाइकिल में पहुंच जाऊंगा हिमाचल, ये ऑफिसर को देख लेंगे वो कहां से पैदा हुआ है। हम आपको कॉपी व्हाट्सएप करेंगे सर, कॉपियां व्हाट्सएप कर देंगे जो इन्होंने ऑर्डर किए या जो भी ये निकाल रहे कॉपियां ना, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे वो। ठीक, कल हम फिर पीएम को कंप्लेन भेज रहा हूँ, उसको अपलोड करेंगे आपको। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। नमस्ते भैया।